हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद इतिमन। नई सरकारी शिक्षक भर्ती 2023 26,000 पदों पर वैकेंसी आ गई है और 8 अगस्त यानी कल से ही जो है वो आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं पीआरटी और टीजीटी के। सैलरी यहां पर 25,000 से लेकर 92,000 तक जो है वो आप लोगों को मिलने वाली है। यहां पर इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, बीएड स्टूडेंट एप्लीकेशन कर सकते हैं। 21 से 40 वर्ष तक जो है वो उम्र यहाँ पर रहने वाली है। फॉर्म फीस जो है अगर हम कहें यहाँ पर, तो जनरल की, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये फीस लगने वाली है और एससी एसटी की जो है वो 50 रुपए फीस यहां पर रहेगी। तो कल से आवेदन यानी 8 अगस्त 2023 से आवेदन स्टार्ट है और लास्ट डेट जो है वो 7 सितंबर रहने वाली है। तो यहां पर योग्यता चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो चलिए कंप्लीट जो है वो नोटिफिकेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो क्या रहेगी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी पीआरटी के क्लास 1 से लेकर 5 तक के टीचर्स की। सैलरी यहाँ पर 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक जो है वो आपको मिलेगी। यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल हैं, तो प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए +2 यानी कि 12th क्लास या उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में यहाँ पर 2 वर्ष का जो है वो डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष 2 वर्षीय डिप्लोमा प्रारंभिक शिक्षा में किया है, चाहे वह जिस भी नाम से जाना जाता हो, तो एप्लीकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। या आपने 50% अंकों के साथ +2 या उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष 4 वर्षीय आपने अगर प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र यानी BLED किया है तो भी आप एप्लीकेशन कर पाओगे। विशेष शिक्षा में अगर 2 वर्षीय डिप्लोमा किया है आपने 50% अंकों के साथ +2, या फिर आपने स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया है तो भी एलिजिबल है 1 to 5 के टीचर बनने के लिए यहाँ पर जो है। अथवा मैं एक और कंडीशन है कि बीएड वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने ग्रेजुएशन की हो, आपने बीएड 1 वर्षीय, 2 वर्षीय या बीएड विशेष शिक्षा आपने की है, तो उसके लिए ये कंडीशन रखी गई है कि परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब दी जाएगी जब नियुक्ति के बाद जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्चे पर एक अवसरीय रूप में अधिकतम 2 वर्ष के अंदर 6 माह का जो है वो ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। तो एक वीडियो जब मैंने बनाया था बीएड वर्सेस बीटीसी, ठीक है, वहां पर भी यही चीज मैंने आपको बताई थी कि बीएड वाले जो है वो 1 to 5 के लिए एलिजिबल जब हो जाते हैं जब वो 6 माह का जो है वो ब्रिज कोर्स कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज जो है यहाँ पर कही गई है। इसके साथ जो है यहाँ पर 1 to 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET जो है वो उत्तीर्ण मांगा गया है। स्नातक प्रशिक्षित आचार्य 6 to 8 के टीचर मैथ साइंस के लिए और सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए, इसके अलावा भाषा शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, खड़िया, कुरमाली, नागपुरी, ठीक है, संस्कृत भाषा, ये सभी भाषाओं के लिए यहाँ पर जो सैलरी है वह 29,200 से 92,300 तक आपको मिलेगी, ठीक है। मैथ और साइंस के लिए इन्होंने कहा है कि न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक आपने जो है वो गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान जो है इसमें जो है स्नातक किया हो, और यहाँ पर जो है लिखा है कि प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगर आपने स्नातक किया है, बीएड किया है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। तो ये टीजीटी टीचर्स के लिए है। नेक्स्ट सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए कहा है कि 3 वर्षीय स्नातक जो है वो आपने इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र, व्यापार अध्ययन इसमें किया है, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने जो है यहाँ पर 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी बीएलएड भी किया है तो भी आप यहां पर फॉर्म डाल सकते हो। साथ में यहां पर जो है वो JTET जो है वो पास मांगा गया है, यानी झारखंड सरकार द्वारा जो JTET उत्तीर्ण स्टूडेंट हैं तो वो यहां पर एलिजिबल हो जाते हैं। पीआरटी में यहां पर 11,000 पद और टीजीटी में 15,000 पदों पर जो है वो वैकेंसी आई है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है वो 26,000 जो है वो वैकेंसी यहाँ पर आ गई है, कल से जो है वो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखें उम्र की अगर एक न्यूनतम जो है वो 21 वर्ष रहने वाली है और अधिकतम जो है यहाँ पर अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो स्टूडेंट हैं जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस वर्ग 40 वर्ष रहने वाली है और आरक्षण में जो छूट है यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिला जो है 43 वर्ष, अनुसूचित जाति 45, अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला दोनों ही 45 वर्ष रखी गई है। तो वैकेंसी जो है वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है वो निकाली गई है, झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023, ठीक है। यहाँ पर परीक्षा शुल्क जो है वो 100 रुपए है, ये मैंने आपको बता दिया।
अभी जो है एप्लीकेशन कैसे करेंगे तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो पूरी पीडीएफ है 135 पेजों की है, ठीक है। तो मेन मेन चीजें मैंने हाईलाइट कर दी है। आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले आपको जो इसकी मेन वेबसाइट है जिसमें अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, इस वेबसाइट पर आप लोगों को जाना है और सबसे पहले जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। एप्लीकेशन आप जो है वो 8 अगस्त यानी कल से स्टार्ट हो जाएंगे और 7 सितंबर तक चलने वाले हैं। यहाँ पर आपका एग्जाम होगा आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी मोड जो है वो आपका एग्जाम होगा और इसका सिलेबस जो है इन्होंने कंप्लीट जो है यहाँ पर डाल दिया है। जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का सिलेबस जो है यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। तो इसका जो है लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। तो चलिए मैं आप लोगों को मेन वेबसाइट पर जो है वो ले जाकर बताती हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा और नोटिफिकेशन जो है वो कहाँ पर मिलेगा। ये जो इसकी मेन वेबसाइट है तो आप गूगल पर सर्च करेंगे jssc.nic.in, ठीक है। तो आप लोगों को इसके होम पेज पर जाना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आ गए हैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, इंपॉर्टेंट लिंक में आपको दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई, ठीक है। चाहे टीजीटी के लिए आप कर रहे हैं या पीआरटी के लिए कर रहे हैं तो आप लोगों को जो है इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जो है वो इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और आगे का जो है वो प्रोसेस आपका चलेगा, फॉर्म आप भरेंगे। उसके बाद जो है वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म मिल गया आपको, थोड़ा सा नीचे आएंगे व्हाट्स न्यू, तो नोटिफिकेशन जो कंप्लीट देखने के लिए आप लोगों को यहाँ पर आना होगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर ही ऊपर जो है वो आपको एडवर्टीजमेंट जो नजर आएगी, ठीक है। यहाँ कंप्लीट जो है वो एडवर्टीजमेंट है तो आप लोग सबसे ऊपर वाले को जो है वो ओपन करेंगे और एडवर्टीजमेंट जो है वो अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है इसका कंप्लीट एडवर्टीजमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको रीड करना है। बाकी 135 पेजों की जो पीडीएफ फाइल है तो मेन मेन चीजें जो है वो मैंने हाईलाइट कर दी है। यहाँ पर जो है वो जिले वाइज कितनी वैकेंसी है ये भी पूरा जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पर जो है वो 19/7/2023 का जो है यहाँ पर एक नोटिस आया था जिसमें लिखा था कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में स्नातक या इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जो आमंत्रित किए जा रहे हैं 8/8/2023 से 7/9/2023 तक, ठीक है। और आप लोगों को इस वेबसाइट पर जो है वो विजिट करना है। अब यहाँ पर क्या था कि इससे पहले भी जो है नोटिस आया था इसी तरीके का, लेकिन झारखंड टेट तो यहाँ पर मांगा जा रहा है लेकिन सी टेट वाले भी एलिजिबल होने चाहिए, ये कंडीशन हो रही थी। बट इन्होंने जब नोटिफिकेशन अभी डाल दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म मांग रहे हैं, तो सी टेट का जो है वो कहीं पर नाम मुझे भी नहीं मिला है और सी टेट का नाम जो है इन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिया है कि सी टेट वाले भी एलिजिबल हों, ठीक है। केवल जो है स्टेट टेट यानी झारखंड टेट वाले ही यहाँ पर एलिजिबल किए गए हैं। तो आप लोग एप्लीकेशन करिएगा जो भी झारखंड के स्टूडेंट हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।